आज की इस वीडियो में हम सीख का एक ऐसा प्रोग्राम बनाना सीखेंगे जिसमें हम यूजर से कोई करेक्टर या लेटर इनपुट लेंगे और ये प्रोग्राम डिसाइड करके बताएगा कि यूजर ने जो करेक्टर इनपुट किया है वो वॉवल है या कंसोनेंट। इस प्रोग्राम में जो हम मेन कंस्ट्रक्ट यूज करेंगे वो इफ एल्स स्टेटमेंट है, इसलिए आप इस प्रोग्राम को इफ एल्स स्टेटमेंट का एग्जाम्पल भी कह सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कोड। सबसे पहले हम लिखेंगे वाइड मेन। वाइड मेन लिखने के बाद कर्ली ब्रैकेट के बाद हमने यहाँ पे देखिए एक करेक्टर वेरिएबल बनाया हुआ है। करेक्टर वेरिएबल इसलिए बना रहे हैं कि इस वेरिएबल में हम यूजर्स इनपुट लेंगे, स्क्रीन रेज किया हमने और उसके बाद एक मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देंगे प्रिंट एफ कमांड की मदद से, टाइप एनी लेटर। तो यूजर जैसे ही कोई लेटर टाइप करेगा, चाहे वो कैपिटल अल्फाबेट हो चाहे वो स्मॉल अल्फाबेट, तो हम गेट सी एच इंस्ट्रक्शन के थ्रू वो इनपुट हम सी एच वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। तो गेट सी एच ही एक करेक्टर इनपुट फंक्शन है। यूजर कोई भी लेटर टाइप करेगा कीबोर्ड से तो डायरेक्टली वो लेटर स्टोर हो जाएगा सी एच वेरिएबल में। अब नेक्स्ट मेन लॉजिक हमारे पास यहाँ पे मौजूद है इफ एल्स स्टेटमेंट। तो हम इफ में कंडीशन दे रहे हैं और इसमें हम लॉजिकल ऑपरेटर और यूज कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड और लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में मैं पहले ही आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ, और अगर आप फेमिलर नहीं है और लॉजिकल ऑपरेटर से तो मेरी प्लेलिस्ट में जाए और इफ एल्स स्टेटमेंट का लेक्चर जरूर देखें। तो यहाँ पे देखिए हम जो डिस्कस कर रहे हैं कि पहले हम चेक करेंगे कि अगर सी एच की वैल्यू स्मॉल ए हो या स्मॉल ई हो या स्मॉल आई या फिर स्मॉल ओ या फिर स्मॉल यू, तो इनमें से अगर कोई भी हो तो हम क्या कहेंगे कि जो लेटर यूजर ने टाइप किया वो वॉवल है। अगर स्मॉल में नहीं है तो हम कैपिटल में भी चेक कर सकते हैं। तो कैपिटल में हम कैसे चेक कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए हमने लिखा है सी एच की वैल्यू अगर कैपिटल ए हो, कैपिटल ई हो, कैपिटल आई हो, कैपिटल ओ या कैपिटल यू, तो इस सूरत में यानी ये जो कंडीशन इफ की ये ट्रू कंसीडर की जाएगी और ट्रू होने की सूरत में ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी जिसमें हमने लिखा है बैकस्लैश एन परसेंट सी इज वॉवल। तो बैकस्लैश एन से लाइन चेंज हो जाएगी और उसके बाद परसेंट सी की जगह पे जो यूजर ने वेरिएबल में वैल्यू इनपुट की होगी यानी जो भी लेटर टाइप किया होगा वो परसेंट सी की जगह पे डिस्प्ले हो जाएगा और मैसेज प्रिंट होगा अगर यूजर ने ए प्रेस किया है तो ए इज अ वॉवल। लेकिन अगर ये जो कंडीशन हम इफ में दे रहे हैं ये अगर फॉल्स हो जाती है कंडीशन, तो ऐसी सूरत में यानी जो लेटर टाइप किया होगा यूजर ने वो कंसीडर किया जाएगा कि वॉवल नहीं बल्कि कंसोनेंट पे, क्योंकि ये कंडीशन उसी सूरत में फॉल्स होगी जब यूजर ने जो लेटर टाइप किया वो ए ई आई ओ यू के अलावा कुछ और है, तो फिर ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा पर्सन सी इज कंसोनेंट और पर्सन सी की जगह पे जो भी लेटर यूजर ने टाइप किया होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद हमने यहाँ पे स्क्रीन को होल्ड करने के लिए गेट सी दिया और प्रोग्राम एग्जिट। तो आइए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो जैसे ही हमने प्रोग्राम रन किया तो मैसेज आ गया टाइप एनी लेटर, हमने स्मॉल ए प्रेस किया तो देखिए मैसेज आ गया ए इज वॉवल। अब कैपिटल के लिए चेक करते हैं, तो जब हमने कैपिटल लेटर दे दिया फॉर एग्जाम्पल हम कैपिटल आई दे देते हैं तो मैसेज आ गया आई इज वॉवल। अगर आप कैपिटल ए भी देना चाहें तो दे सकते हैं तो ए इज वॉवल। कंसोनेंट के लिए चेक करते हैं, कुछ भी हमने दे दिया तो सी इज कंसोनेंट। फिर अगर कैपिटल में भी अगर आप कुछ देना चाहें तो दे सकते हैं डब्ल्यू इज कंसोनेंट। तो आपने देखा कि ये प्रोग्राम बिल्कुल सही काम कर रहा है, लेकिन इस प्रोग्राम में एक लिमिटेशन है और वो क्या है, देखिए हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं और अगर हम लेटर के अलावा कुछ और दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने नंबर दे दिया तो इसके लिए भी मैसेज आ रहा है थ्री इज कंसोनेंट। तो हम ये चाहते हैं कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, ये मैसेजेस तभी डिस्प्ले होने चाहिए जब यूजर कोई लेटर टाइप करे, अदरवाइज कुछ भी डिस्प्ले ना हो और प्रोग्राम एग्जिट हो जाए। तो ऐसी सूरत में हमें यहाँ पे एल्स इफ स्टेटमेंट यूज करना होगा और एल्स इफ स्टेटमेंट के लिए हमें कुछ कोड इजाफी बढ़ाना होगा। तो मैं पहले कोड टाइप कर लेता हूँ और आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा है सी एच ग्रेटर देन इक्वल्स टू कैपिटल ए एंड सी एच लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल जेड। इसका मतलब ये होगा कि हम यूजर की जो इनपुट है उसको लिमिट कर रहे हैं कि अगर यूजर ने कैपिटल ए और कैपिटल जेड के दरमियान कोई भी लेटर टाइप किया है तो पहली कंडीशन चेक हो चुकी है कि अगर वो ए ई आई ओ यू नहीं है तो इसका मतलब कुछ और लेटर होगा लेकिन होगा अल्फाबेट में से ही, कैपिटल ए टू जी के दरमियान होगा। या फिर अगर यूजर ने स्मॉल में टाइप किया है तो हमने यहाँ और लॉजिकल ऑपरेटर के बाद फिर ये कंडीशन दी हुई है कि सी एच की वैल्यू चेक करो, यानी यूजर ने जो लेटर टाइप किया है वो स्मॉल लेटर्स में लेकिन वॉवल नहीं है यानी ए ई आई ओ यू में से नहीं है, तो फिर हम क्या डिस्प्ले करेंगे,
कि जो गिवन लेटर है वो कॉन्सोनेंट है, और अगर इसके अलावा यूजर कोई इनपुट देगा तो कोई भी मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होगा। तो देखिए रन करते हैं, तो हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्यू दे दिया, तो क्यू इज कॉन्सोनेंट डिस्प्ले हो गया। फिर हम दे देते हैं कैपिटल ए, तो ए इज वॉवल। अब दोबारा हम इसे रन करते हैं, इस दफा हमने कोई नंबर दे दिया, तो देखिए प्रोग्राम एग्जिट हो गया। अगर कुछ भी और सिंबल लेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे सिलेशन पुट कर दिया, तब भी नहीं प्रोग्राम एग्जिट हो गया। तो अगर आप ये चाहते हैं यहाँ पे इनवैलिड करेक्टर का मैसेज भी डिस्प्ले हो, तो आप यहाँ पे एल्स पार्ट भी ऐड कर सकते हैं, और आप लिख सकते हैं प्रिंट एफ बैक स्लैश एन इनवैलिड करेक्टर। तो अब दोबारा रन करते हैं, अब अगर हम थ्री देते हैं तो देखिए मैसेज आ गया इनवैलिड करेक्टर, यानी यूजर को कोई वैलिड करेक्टर देना है, और वैलिड करेक्टर कैपिटल अल्फाबेट हो सकती है यानी कैपिटल ए टू जी या फिर स्मॉल ए टू जी। प्रोग्राम को अगर मैं दोबारा से समराइज करूं, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले करेक्टर इनपुट लिया, स्क्रीन रेज करने के बाद मैसेज आ गया टाइप एनी लेटर, ठीक है। उसके बाद हम इनपुट ले रहे हैं यूजर से, यूजर जो भी लेटर टाइप करेगा वो सी एच वेरिएबल में आ जाएगा, और यहाँ पे हमारी मेन लॉजिक है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे अगर यूजर ने स्मॉल ए ई आई ओ यू टाइप किया है या फिर कैपिटल ए ई आई ओ यू टाइप किया होगा, तो फिर मैसेज प्रिंट हो जाएगा, लेटर डिस्प्ले होगा और उसके साथ मैसेज होगा कि इट इज वॉबल, यानी अगर हम ए देते हैं तो प्रिंट होगा ए इज वॉबल। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम चेक करेंगे कि अगर वॉबल नहीं है और यूजर ने जो टाइप किया है करेक्टर वो कैपिटल ए टू जी के दरमियान में या स्मॉल ए टू जी के दरमियान में, तो फिर मैसेज आ जाएगा कॉन्सोनेंट, और अगर यूजर ने अल्फाबेट के अलावा कुछ और टाइप किया है तो एल्स में फिर क्या प्रिंट होगा इनवैलिड करेक्टर। उसके बाद हमने गेट सीट स्क्रीन होल्ड करने के लिए यहाँ लिखा इन प्रोग्राम एग्जिट। उम्मीद है कि प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर एक और प्रोग्रामिंग वीडियो के साथ।